नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया तोमर। रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। खबर जालौन से है, जहां जिला कार्यक्रम अधिकारी इफ्तिकार अहमद द्वारा जालौन विकास खंड के ग्राम अकोडी, पहाड़पुर, उरगांव, भिटारा और हरदोई राजा में संचालित 15 आंगनवाड़ी केंद्रों और बाल विकास परियोजना कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। वहां निरीक्षण के दौरान केंद्र संचालक में पाई गई कमियों के दृष्टिगत ग्राम उरगांव की 7 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और 5 सहायिकाओं का मानदेय रोका गया है। साथ ही 2 क्षेत्रीय मुख्य सेविका को परिक्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में लापरवाही मिलने पर अंतिम चेतावनी दी गई है। जनपद मैनपुरी के ग्राम रामनगर के रहने वाले युवक ने एसपी से जमीन विवाद को लेकर शिकायत की है। उनका आरोप है कि गांव के कुछ नामजद लोग उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। वहीं एसपी से शिकायत करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए पीड़ित ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव के ही कुछ लोगों ने उनके भाई और पुत्र के साथ मारपीट भी की थी, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में की थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनकी शिकायत पर अधिकारीगण क्या कार्रवाई करते हैं या फिर सत्ता पक्ष के लोग ऐसी ही जनता की जमीनों और सरकारी जमीनों पर कब्जा करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर संतोष कुमार है। क्या मामला है, आप क्यों शिकायत करने आए हैं यहाँ पे? सर अपनी शिकायत ये करना है, हमें राहुल राठौर साहब ने दबंगई से मारा पीटा मेरे खेत। ये कौन है राहुल राठौर? राहुल राठौर साहब है पूर्व ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के नेता, जयवीर सिंह के बायां हाथ जी। मंत्री जी क्या क्या मैंने जब मुझे मारा पीटा मेरे खेत का अवध कब्जा किया, मैंने 2 दिन से थाने पड़ा हूँ। कितना है खेत आपका? मेरा खेत रामनगर में है। मैं जब मेरे साथ मारपीट हुई कुंडे लेके रात 11 बजे मेरे साथ मारा, मेरे बच्चों को मारा, मेरे जब पुलिस वाले पहुंचा तो जब भागे वहां से, जब मेरे पुलिस वाले ने कहा आप थाने में आइए आपके नाम FIR की जाएगी उनके शिकायत। कितनी जगह है लगभग? लगभग 4 बीघे 3 विषय पे विवाद है। ठीक है सर, क्या उनकी भी जगह है वहां पे? नहीं, उनका कोई नहीं, कोई जगह नहीं है। कब्जा क्यों किया उन्होंने? कब्जा उन्होंने ये किया मेरे पिताजी ने 1997 में उनके चाचा आलोक सिंह पुत्र जय सिंह के नाम 10 बीघे का बैनामा दिया। किसी अधिकारी के भूल बस हमारी दूसरी चक्का 14 बीघे 3 विषय गलती से दाखिल खारिज कर दिया, उनके नाम जमीन आ गई। उनके हम घर गए, दसियों बार उनके सर पैर पकड़े, हाथ जोड़े, उन्हें सर हम गरीब आदमी हैं, हमारे और कोई कुछ चारा है नहीं, हम मजदूर आदमी हमारे। आप यहाँ अधिकारी से मिलने आए, क्या कहा? एसपी कप्तान साहब से मिलने आए, अपनी शिकायत लगाई तो कप्तान साहब ने कहा अरे उनके खिलाफ तो मुश्किल ही बात है, हम कार्रवाई तो कर रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा सर दबंग ही है, नेताजी है बीजेपी के, दबंग नेता है, उनके सरकार है, सत्ता पक्ष में है, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। शाहजहांपुर में अग्निशमन अधिकारियों ने स्कूल में जाकर बच्चों को ये बताया कि अगर गैस सिलेंडर में आग लग गई है तो बिना घबराए हुए कैसे उससे बचाव करें। वहीं अधिकारियों ने स्कूल में बच्चों को आग के बारे में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह से आग पर काबू पाया जा सकता है। साथ ही अग्निशमन अधिकारियों ने आल संट स्कूल के बच्चों और टीचर्स स्टाफ के सामने डेमो करके भी दिखाया। खबर मथुरा से है, जहां 17 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जाएगा। वहीं एसपी ट्रैफिक ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही 4 दिवसीय चलाए जा रहे इस अभियान में लोगों को जागरूक किया गया है। वहीं एसपी ट्रैफिक ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान प्रतिदिन कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। अगर कोई ट्रैफिक का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सर आज आपने जो सड़क सुरक्षा पखवाड़ा है उसको हरी झंडी लेकर रवाना किया है, क्या कहेंगे? 17 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये प्रतिदिन कोई कार्रवाई हो रही है और सर किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा, अगर लोग नहीं मानते हैं तो कोई कार्रवाई की जाएगी? निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा स्कूलों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से जानकारी दें, प्रवर्तन की भी कार्रवाई की जानी है, जिसमें हमारे विभागों द्वारा भी जो है चेकिंग इत्यादि की कार्रवाई करके
खबर फिरोजाबाद से है, जहां जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास भवन परिसर में किसान समाधान दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायती अधिकारी, जिला प्रबंधक अग्रणी बैंक, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, मंडी समिति सचिव वही और कृषि विज्ञान केंद्र वैज्ञानिक, उप पशु चिकित्सा अधिकारी, भूमि सुरक्षा अधिकारी आदि उपस्थित रहे। वे कार्यक्रम का संचालन उप कृषि निदेशक द्वारा किया गया, जिसमें कृषि विभाग के संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। व्यवस्था और क्या किस तरह की शिकायतें यहाँ पर देखने मिली। आज बुधवार के दिन किसान समाधान दिवस का आयोजन किया गया विकास भवन सभागार, इसमें सभी अधिकारी, सभी सम्मानित कृषक बंधु आए थे। उनकी समस्याएं सुनी गई। जो पुरानी समस्याएं थी उसमें मोस्टली का निस्तारण हो गया था। कुछ मुख्य समस्याएं हैं जैसे KCC कार्ड से रिलेटेड और इसी तरह कोल्ड स्टोरेज की समस्याएं हैं, उसके संबंध में वार्ता संबंधित अधिकारी से करने की बात की गई है और समस्याओं को हम लोग उचित समाधान कराएंगे, ऐसा इन लोगों से बताया गया है। और जो भी किसान आए हैं उनकी सभी समस्याएं सुनी गई और संबंधित अधिकारी जो मौजूद थे उनको इनका निस्तारण कराने के लिए बताया गया। सर, टमाटर की फसल को 9 ब्लॉकों में करने का कोई निर्देश दिया गया था, उसको लेकर थोड़ा सा जानकारी दें। अच्छा प्रयास है ये, शिमला मिर्च के लिए हुआ था जो फसल सीजन मौसम आधारित फसल बीमा योजना, उसके संबंध में दायरा इसका बढ़ाया गया है और किसानों की मांग थी जिसको शासन के द्वारा मांगी गई है, मांगे इसीलिए मैं सभी किसान बंधुओं को बधाई देता हूँ।